फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि शरीर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारी धमनियों का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली महिलाओं के अंदर, क्योंकि महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज मैं आपकी दोस्त नायरा आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे फूड्स जिनका इस्तेमाल करके महिलाएं अपनी धमनियों का खास ख्याल रख सकती हैं। तो आइए बिना किसी देर के आज जानते हैं इनके बारे में। टिप नंबर 1 है एवोकाडो। एवोकाडो खून की धमनियों को साफ करने के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है। यदि महिलाएं एवोकाडो का सेवन प्रतिदिन करें तो उनके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी हो जाएगी, साथ ही साथ उनके शरीर की धमनियां भी काफी अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगी। नंबर 2, ऑलिव ऑयल या फिर जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल या फिर जैतून का तेल हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप अपने खाने के अंदर ऑलिव ऑयल या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसा करने से आपकी खून की धमनियां भी साफ हो जाती हैं। टिप नंबर 3 है साबुत अनाज। साबुत अनाज के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे शरीर के अंदर खून में और कोलेस्ट्रॉल के अंदर बाइंडिंग रखता है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को मैनेज करने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो साबुत अनाज के अंदर ओटमील, ब्राउन राइस या फिर होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है नट्स। नट्स के अंदर विटामिन सी, ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारी रक्त की धमनियों को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 5 है अनार। अनार के अंदर साइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो दिल को अच्छा बनाने में, मजबूत बनाने में हमारी सहायता करता है, साथ ही साथ रक्त की धमनियों को भी शुद्ध करता है। टिप नंबर 6 है दालचीनी। किसी भी भोजन के अंदर दालचीनी को अगर मिला दिया जाए तो खाना ना ही केवल स्वादिष्ट बनता है बल्कि हेल्दी भी बन जाता है। यदि आप अपने खाने के अंदर रोजाना दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो आप 26% तक अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। नंबर 7 है ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर विटामिन के पाया जाता है, जो महिलाओं के रक्त को शुद्ध करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए और दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। महिलाओं को हफ्ते में कम से कम एक बार ब्रोकली का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 8 है हल्दी। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो रक्त की धमनियों को शुद्ध करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। वैसे भी हल्दी के अंदर बहुत से औषधीय गुण होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनका इस्तेमाल करके महिलाएं अपने रक्त की धमनियों को और भी ज्यादा शुद्ध और हेल्दी बना सकती हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।